Assalamualaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. This is me Shakila. And today we start the topic number 10 and lecture number 1. And topic number 10 is a last lecture and topic of class 3. Uh, so topic is uh, the sun. What is the sun?

Center, as you know that sun gives two things. First one is heat, and second one is light. And these both things are useful for plants because they make their food through the help of sunlight. And uh, it's a uh, beneficial for us because we keep ourselves warm. Uh, काज ऑफ सन लाइट एंड इट आल्सो गिव अस विटामिन डी याद रखिएगा सन की लाइट से जो है हमें विटामिन डी भी मुहैया होती है नाउ थिंक अबाउट इट अगर सन जो है नहीं होता फिर क्या होता यस yes, अगर सन नहीं होता जो हमारी अर्थ है ये बिल्कुल ही डार्क होती यहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता अगर सन नहीं होता क्योंकि ये दोनों चीज़ें देता है लाइट लाइट नहीं देता सन नहीं होता लाइट नहीं होती तो दिन नहीं होता रोशनी नहीं होती अंधेरा ही अंधेरा होता दूसरी बात कि सन हमें देता है हीट अगर सन नहीं होगा हमें हीट नहीं मिलेगी तो बहुत ही ठंडक ही ठंडक होती जिसमें हम मर जाते और इन दोनों चीज़ों के बिना सन के बिना हम रह ही नहीं सकते अर्थ पर तो ये बहुत ही जरूरी है और इसके अलावा हमने डे और नाइट के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि डे और नाइट जो है सन की वजह से होता है जस्ट लाइक सन है हमारा ये सन की जो लाइट होती है ये हमारी अर्थ पर पड़ती है अच्छा अर्थ तो अर्थ की जो है जिस साइड पर सन की लाइट पड़ती है वो डे होता है और अदर साइड जो होती है नाइट होती है और हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस में ये एक्सिस होती हैं अपनी एक्सिस में क्या करती है रोटेट करती रहती है यहाँ वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमती रहती है ठीक है यहाँ से यहाँ ऐसे चक्कर लगाती है फिर वापस जो है यहाँ से यहाँ आ जाती है तो ये रूटेट में ऐसे गोल गोल घूमती रहती है अपनी एक्सिस में तो ये जो ट्रेन करती है इसको अलमोस्ट यहाँ वेस्ट लेके ईस्ट तक 24 फोर आवर्स लगते हैं एक पूरा कंप्लीट इसको चक्कर करने में यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आने में 24 फोर आवर्स लगते हैं जिसकी वजह से डे और नाइट होता है जैसे ये ये साइड इस तरफ चली आएगी रात हो जाएगी फिर ये साइड वापस यहाँ तक आएगी तो डे हो जाएगा तो इस तरह हमारा डे और नाइट होता रहता है इसके अलावा हमने पढ़ा था जिस तरफ सन होगा तो वहाँ डे होगा वार्म होगा और अधर साइड डार्क होगी और साथ ही कोल्ड भी होगी अब ये सारी चीज़ें तो पहले ही हमने आ, क्लास टू में पढ़ी थी अब जैसे कि हम थ्री में आ गए हैं तो थोड़ी और इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में ऐड कर करेंगे हम सीखेंगे तो आज फर्दर हम सीखेंगे कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में अब कार्डिनल पॉइंट्स क्या होती हैं किन को कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है आइए समझते हैं इनको अब कोई भी एक जगह है एक प्लेस है या फिर मैप है तो उसमें किसी भी जगह की डायरेक्शंस यानी कि जानना उस बहुत जरूरी होता है कि ये कौन सी जगह पर जो है लोकेट कर रही है तो फोर कॉर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं पॉइंट्स होती हैं वो फोर पॉइंट्स हमारी होती हैं वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ के अलावा है साउथ सेकेंड साउथ और ईस्ट एंड लास्ट वन इज वेस्ट तो ये हमारी फोर डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इन चारों डायरेक्शन को पॉइंट्स को कॉर्डिनल पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है समझ जाइए कि कॉर्डिनल जब भी पॉइंट्स आए समझ जाइए कि ये डायरेक्शन हैं फोर इनको कॉर्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है ये मेन जो है फोर हैं और आप जानते हैं कि सन ईस्ट से जो है निकलता है और वेस्ट में जो है उतरता है सन यहाँ से सनराइज होता है और यहाँ पे उतर जाता है इस तरफ से सनसेट सनराइज सनराइज यहाँ से ठीक है और सन वेस्ट यहाँ पर होता है आके और जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि वेस्ट से इस ये अर्थ की जो है रोटेशन है कि वो यहाँ से स्टार्ट करती है यहाँ तक और ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं सन यहाँ से उभरता है यहाँ उतरता है वेस्ट में और अर्थ जो है यहाँ से स्टार्ट करती है वेस्ट से ईस्ट तक ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये सन कहाँ है कौन सी डायरेक्शन कहाँ है ये जानने के लिए अकॉर्डिंग टू सन ठीक है ये अकॉर्डिंग टू सन हम ये डायरेक्शन जानेंगे तो हमारा कोई भी जो है बंदा आ, सन के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाए सन के जो है बिल्कुल आप सामने खड़े हो जाइएगा जैसे यहाँ पे सन है तो आप उसको देख रहे हैं ठीक है अब सन के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपके जो सर है आपका वो डायरेक्शन होगी ईस्ट और जो आपके पाओ की तरफ साइड होगी वो होगा वेस्ट और आपके राइट हैंड ठीक है आप सन के सामने खड़े हुए याद रखिएगा तो आपके राइट हैंड की तरफ जो है साउथ होगा और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो है नॉर्थ होगा तो इस तरीके से आप सन के सामने खड़े होके आप डायरेक्शंस जान सकते हैं कि कौन कौन सी है। बस आपने याद रखना है कि आपके सर के ऊपर ईस्ट नीचे वेस्ट और राइट हैंड की तरफ साउथ और लेफ्ट के नॉर्थ इसी तरह ये डायरेक्शंस मैप में भी जो है मुख्तलिफ तरीकों से आ, दिखाई गई होती हैं कि ये क्या है और वो क्या है ठीक है इस तरह से मैप में भी आप देख सकते हैं कि उसमें ये कॉर्डिनल डायरेक्शंस दिखाई गई होती हैं अब ये तो थे कॉर्डिनेटल पॉइंट्स अब जानते हैं शेडो के बारे में कि ये शेडो क्या होता है अब ये शेडोज शेडो का मतलब वो होता है साया अब ये साया कब बनता है जब आप जो है सन के सामने खड़े होते हैं तो हमारा शेडो बनता है उसका बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट का बल्कि इंसान का नहीं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है शेडो बन जाता है एक डार्क कलर का जो है आ, नजर आता है आपको वो जो है डार्क पैथ को शेडो कहते हैं तो जब भी हम किसी आ, सोर्स ऑफ शेडो के साथ खड़े होते हैं सामने तो जो है हमारा शेडो बनता है और वो शेडो बिग बनता है जैसे यहाँ पे रेल वाला खड़ा हुआ है और फिर जैसे ही शेडो पड़ेगा इस पर तो इसका जो लाइट पड़ेगी सोर्स की तो वो जो है शेडो बनेगा और वो शेडो जो है बिग होगा जैसे कि ये बड़ा शेडो बनता है ठीक है जिस तरह हम उसके करीब होते हैं ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट करीब होता है सोर्स ऑफ लाइट के तो वो शेडो बिग बनता है और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट अगर हम सोर्स ऑफ लाइट से दूर खड़े होंगे तो वो हमारा शेडो स्मॉल बनेगा ठीक है यहाँ पे करीब है तो ये शेडो बिग बना है अगर हम सोर्स ऑफ लाइट से दूर होंगे तो शेडो जो है स्मॉल बनेगा तो ये शेडो स्मॉल बिग किस तरह होता है तो ये सन की जो है मूवमेंट उसकी डायरेक्शन के हिसाब से जो है हमारे शेडो डिफरेंट होते हैं तो आइए देखते हैं किस किस तरह के शेडोज किस टाइमिंग में बनते हैं जब सन सा, जो है कि डायरेक्शंस पे जैसे कि शेडो डिपेंड करता है तो सन अगर डायरेक्टली आपके हेड पर पड़ता है बिल्कुल आपके ऊपर है स्ट्रेट में तो आपका जो शेडो है वो बहुत ही स्मॉल बनता है और वो टाइमिंग जो होता है नून का होता है बाकी अगर मॉर्निंग और इवनिंग की बात करें तो हमारा शेडो बहुत ही लॉन्ग बनता है साथ ही आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस मिलती रहे सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल टिल देन इंस्टा कनेक्टेड कीप लर्निंग अल्लाह हाफिज़